नमस्कार दोस्तों मैं उत्तम रात सी स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी में फ्रेंड्स जो जो छात्र इस वर्ष बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर परीक्षा पास किए हैं उनके लिए बिहार बोर्ड बड़ी खुशखबरी जारी किया है क्योंकि मैट्रिक इंटर छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है अब कौन कौन से छात्र को कितना मिलेंगे मैट्रिक वाले छात्र को कितना मिलेंगे इंटर वाले छात्र को कितना मिलेंगे कैसे स्कॉलरशिप का लाभ लेना है कहा हम लोग को डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और सबसे इम्पोर्ट

डाउनलोड कीजिए डॉट नेट ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मैट्रिक इंटर दोनों छात्र ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ पे देखिए साफ साफ बदलाया गया छात्रों के लिए खुशखबरी श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण मजदूरों के बच्चों को मिलेंगे अब मजदूर को को बच्चों को यहाँ पे दिए जाएंगे और भी छात्र जो कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन लाए हैं उनको कितना मिलने वाले हैं वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले इस वीडियो को पूरा देखते रहिए अब देखिए यहाँ पे हिसाब से बताया गया सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी पुरस्कार की राशि ठीक है आपको यहाँ पे केवल डॉक्यूमेंट जमा कर देना होगा आपके खाते में यहाँ पे स्कॉल भेज दिया जाएगा अब कब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा होगा कहाँ करना होगा इस वीडियो को देखते रहिए आगे यहाँ पे बताया गया अंक पत्र के साथ कार्यालय में लिया जाएगा आवेदन कब से आवेदन लिया जाएगा आप लोग देखते रहिए

इसका लाभ नहीं मिलेगा साफ साफ यहाँ पे आगे बतलाया गया है कि यहाँ पे कई योजनाएं हैं जिसमें प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने वाले के लिए नगद राशि पुरस्कार दिया जा रहा है ठीक है और भी यहां पे देखिए बताया गया अस्सी प्रतिशत एआ उससे अधिक अंक लाने वाले को पच्चीस हजार रुपए दिए जाएंगे ठीक है जिनका भी एटी परसेंट है उनको पच्चीस हजार रुपये दिया जा रहे हैं और सत्तर प्रतिशत या उससे ऊपर अंक वाले को यहाँ पे पंद्रह हजार रुपए दिए जा रहे हैं ठीक है साठ प्रतिशत यानी फर्स्ट डिवीजन या उसके ऊपर अंक लाने वाले को दस हजार दिए जा रहे हैं ठीक है जो भी छात्र फर्स्ट डिविजन लाए हैं जो जिनका भी यहाँ पे सिक्सटी परसेंट है उनको दस हजार रुपये दिए जा रहे हैं इंटर वाले छात्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको भी यहाँ पे आगे बतलाने वाले हैं ठीक है आगे यहाँ पे बताया गया आवेदन सीधे कार्यालय में जमा किया जाएगा आवेदन के साथ छात्रों को अंक पत्र देना अनिवार्य होगा अंक पत्र मिलने पर उसके यहाँ पे सत्यापन किया जाएगा जांच किया जाएगा ठीक है और उसके बाद राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ठीक है और भी यहाँ पे काफी सारे आप लोगों को लाभ मिलने वाले इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब इंटर वाले छात्र यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा फर्स्ट डिवीजन से पास सभी छात्र छात्राओं को मिलेंगे दस दस हजार रुपये ठीक है जो भी छात्र इंटर में फर्स्ट डिविजन किए हैं इस बार उनको दस दस हजार रुपये दिए जाएंगे या लड़का हो या लड़की ठीक है अब यहाँ पे बात आती है सेकेंड और थर्ड डिवीजन वाले भी इस वीडियो को देखेंगे यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है बिहार बोर्ड वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास सभी छात्र दस हजार रूपए दिए जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे लिस्ट जारी किए जाएंगे ठीक है इंटर वाले छात्रों के लिए लिस्ट जारी किए जाने के बाद सभी छात्र छात्राएं अपना बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड नंबर जरूरी जानकारी जो कि भरेंगे और डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप की राशि सीधे सभी के खाते में भेजी जाएगी जबकि इंटर में फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत दस हजार की नगद राशि दी जाएगी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैट्रिक में यहाँ पे एटी परसेंट से लेकर जो भी फर्स्ट डिवीजन तक लाए हैं उनको यहाँ पे पच्चीस हजार और पंद्रह हजार और दस हजार दिया जा रहा है ठीक है और इंटर वाले छात्र केवल लड़का है वो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं इंटर में तो उनको दस हजार रुपये दिए जाएगा इस वर्ष ठीक है और लड़की जो कि फर्स्ट सेकेंड तीनों में से किसी भी डिवीजन से पास है तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा लड़की को सभी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा लेकिन लड़का केवल फर्स्ट डिवीजन लाए हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप दिया जाएगा अब इसका आवेदन कब से होगा तो इसका आवेदन दस से पंद्रह दिन में स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बतला दूंगा ठीक है इसलिए आप लोग क्या कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बगल वाले घंटी को ऑन करके रखिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्र